बार कोलिजन का हमारे पास सवाल आता है कि M1 M2 की इनिशियल वेलोसिटी दी होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होता है और कोलिजन में लॉसेस पूछना होता है। तो इस सवाल को जनरली हम लोग करते कैसे, फाइनल वेलोसिटी निकालते दो इक्वेशन को सॉल्व करके, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन, उसके बाद सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल काइनेटिक एनर्जी से माइनस करते हैं तो लॉस आता है। बट क्या आपको पता है कि इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है जिसमें अपने को V1 V2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 1/2 m1 m2 upon m1 plus m2 इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर 1 minus e square। इस फॉर्मूले से आप V1 V2 निकाले बिना इसका लॉस निकाल सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 10 minus 5, e की वैल्यू हो गई 1/2 m1 m2 upon m1 plus m2। जल्दी बताना कमेंट करके कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद था कि नहीं था, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो के लिए।